नमस्कार दोस्तों, साहित्य दर्शन ऑडिबल्स बाय एसके में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी सपना। पापा पापा, आज मुझे विश्वास के घर जाना है। मैं कल स्कूल नहीं गया था ना, इसलिए उससे होमवर्क पूछना है। सहमे सहमे से स्वर में अनुभव ने अपना इरादा पापा को बता ही दिया। एक तो कल स्कूल नहीं गए, दूसरे अब विश्वास के पास जाने का बहाना निकाल रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हें तो उसके साथ घूमने फिरने में ही मजा आता है, पढ़ने लिखने में तो तुम्हारा मन लगता नहीं। ध्यान रखो, इस वर्ष तुम दोनों 8th क्लास में हो और परीक्षा बोर्ड की है, अपने साथ तुम उसका भी वक्त जाया करोगे। चाय पीते हुए अविनाश लगभग झुंझला कर बोले। आज इतवार का दिन था, अविनाश को एस कपूर के यहाँ जाना था। वो दोनों बहुत करीबी मित्र हैं। आज वहाँ शतरंज की बाजी लगेगी, जो हारेगा वो पिक्चर दिखाएगा। अविनाश को अनुभव का प्रस्ताव इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे विश्वास तक पहुँचाने में 1 घंटा व्यर्थ जाएगा। अनुभव एकदम डर गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, प्लीज पापा, इस बार तो ले चलिए, मम्मी भी आपके साथ जा रही हैं, मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। मैं अपना स्कूल बैग भी लेता चलूंगा और वहीं अपना होमवर्क भी पूरा कर लूंगा। कपूर अंकल के यहाँ से लौटते हुए आप मुझे भी लेते आना। नहीं, तुम वहां आवारा गर्दी करोगे, यहीं घर में बैठकर पढ़ो, समझे? अविनाश अपनी बात पर अड़े रहे। अजी, ले चलिए ना, विश्वास ऊंचे घराने का लड़का है, उसकी सोहबत में कोई हर्ज नहीं है। इस कॉलोनी में तो सभी नीचे तबके के लोग रहते हैं, हमारे पीछे से नीच बच्चों में खेलेगा ना तो इसकी भी मेंटालिटी बिगड़ेगी। अपने सीने व गर्दन पर परफ्यूम का स्प्रे करते हुए स्मिता ने कहा, तुम कहती हो तो ठीक है, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। अविनाश ने आदेशात्मक स्वर में अनुभव से कहा। थोड़ी ही देर में प्रसन्नचित अविनाश अनुभव और उसकी मम्मी को लेकर विश्वास के घर की ओर चल दिया। लगभग 35 मिनट बाद विश्वास की कोठी वाली गली के नुक्कड़ पर अनुभव को स्कूटर से उतारकर अविनाश ने बोला, शाम को ठीक 7:30 बजे मैं यहीं मिलूंगा, तुम समय पर आ जाना। और हाँ, वहां बैठकर दोनों पढ़ाई करना, आवारागर्दी मत करना, समझे? अच्छा पापा, ओके मम्मी, टाटा, बाय बाय। अनुभव खुश होकर विश्वास के घर की ओर दौड़ गया। अरे अनुभव, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कितनी देर लगा दी। डैडी सुबह के ही निकले हैं और मम्मी भी अपनी किटी पार्टी में गई, मैं अकेला कितना बोर हो गया। अनुभव को आता देखकर विश्वास ने भागकर उसका हाथ थामते हुए शिकायत की, क्या बताऊं, पापा को मनाने में ना बहुत देर लग गई। पहले ना मुझे खूब डांट पड़ी, फिर मुश्किल से लाने को राजी हुए। ये बैग क्यों लेकर आया है तू? विश्वास ने उत्सुकता प्रकट की। अरे यार, पापा ऐसे मानने वाले थोड़ी थे, मैंने कहा मुझे तुमसे ना होमवर्क उतारना है, तब जाकर माने, इसलिए बैग साथ लाना पड़ा। बैग को लॉन में एक तरफ उछालते हुए अनुभव बोला, तुमने झूठ क्यों बोला, मैडम कहती हैं कि झूठ बोलना पाप है। विश्वास ने बड़प्पन झाड़ा, क्या करता, मम्मी पापा भी तो अक्सर झूठ बोलते हैं और फिर सच कहने पर वो हमारी बात कब मानते हैं, तब झूठ से ही काम चलाना पड़ता है। अनुभव ने सफाई दी। अच्छा एक बात पूछूं, पापा जब भी मुझे तुम्हारे पास लाते हैं वो मुझे नुक्कड़ पर ही छोड़ जाते हैं, ऐसा क्यों है? अनुभव ने
एक कोने में लगी फूल झाड़ी की छाया में बैठते हुए पूछा। पता नहीं यार, मेरे पापा भी मुझे तुम्हारे घर के बाहर ही छोड़कर चले जाते हैं। मैंने एक बार मम्मी से पूछा भी था तो मुझे बहुत डांट पड़ी। विश्वास लॉन में उछल कूद करते हुए खरगोश के बच्चे को पकड़कर ले आया और बोला, अच्छा तो एक बात बता, अगर तुझे समझ में आती हो तो। अनुभव खरगोश के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मेरे पड़ोस के सारे बच्चे सड़क पर, गलियों में, पार्क में क्रिकेट, आइस पाइस, गुल्ली डंडा और भी बहुत कुछ खेल खेलते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके साथ खेलूं, लेकिन मम्मी ना कभी जाने नहीं देती। एक बार चुपके से चला भी गया तो इतनी पिटाई हुई कि मैं क्या बताऊं यार। मम्मी कहती हैं हमारे पड़ोस वाले लोग हमसे कम स्टैंडर्ड के हैं, छोटे और जाहिल हैं। उनके बच्चे के साथ खेलने में हमारी शान कम होती है। मुझे ये सब ना समझ नहीं आता, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनके साथ खेलने में हमारी शान कैसे कम हो जाएगी। क्या पता यार, इन बड़े लोगों की बातें ये बड़े ही जाने। आ अपन तो कोई खेल खेलते हैं, विश्वास बोला। लेकिन ये बड़े लोग हमसे चाहते क्या हैं? अनुभव अपने विचारों में खोया हुआ बोलता ही जा रहा था। हमें तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं और खुद हमसे कहते हैं झूठ मत बोलो, और जब पापा के कोई मित्र आते हैं तो कहते हैं कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है। कितनी बार मेहमानों के सामने हमें बुरी तरह डांट देते हैं, जैसे हमारा तो कोई मान सम्मान ही नहीं है। अक्सर इंसल्टिंग वे में ही बात करते हैं। क्या हमारा छोटा होना भी हमारा अपराध है? ये करो ये मत करो, ऐसे रहो वैसे मत रहो, जैसे हम बच्चे नहीं बात मानने की मशीन है या कोई कंप्यूटराइज्ड रोबोट है जो जैसा आदेश मिलेगा उसका ज्यों का त्यों पालन करना पड़ेगा। विश्वास बीच में ही बात काटकर बोला, अरे अनुभव रोबोट से याद आया, चल टीवी देखते हैं, 2 बज गए। रोबोट का ना बहुत अच्छा सीरियल आने वाला है, बहुत मजा आएगा, तूने देखा है कभी? अरे नहीं यार, अनुभव ने शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया। मम्मी टीवी ऑन करते ही तपाक से बंद कर देती है, कहती है दिन भर टीवी देखोगे या कुछ पढ़ोगे भी। अब तू ही बता, आखिर 2400 घंटे पढ़ाई तो नहीं कर सकते ना, कभी कभी खेलने कूदने मनोरंजन करने का भी तो मन होता है। ये बड़े लोग हमेशा अपनी इच्छाओं को हम पर लादना चाहते हैं, जैसे हमारी रुचियों का तो कोई महत्व ही नहीं है। ड्राइंग रूम में आकर टीवी का स्विच ऑन करते हुए विश्वास एक सोफे में धंस गया। अनुभव उसके पास बैठकर रिमोट से टीवी चैनल बदलने लगा। रोबोट का कार्यक्रम जी टीवी पर आने वाला था, किंतु किसी कारण से उसकी जगह एक कहानी का प्रसारण हो रहा था। एक परी दादी नानी की कहानियां सुना रही थी। दादी नानी की बात सुनकर विश्वास बोला, अरे यार मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। पिछले रविवार से मेरे दादाजी आए हुए थे, कल ही वापस गए। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। वो ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लेकिन क्या? विश्वास का उतरा हुआ मुंह देखकर अनुभव ने पूछा। मेरी मम्मी उन्हें बहुत सताती थी, घर का बाजार संबंधी हर काम उन्हीं से करवाती थी। जरा सी भूल होने पर ऐसे चिल्लाती थी जैसे वो घर के नौकर हों। मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैं मम्मी से छुपकर ना उनकी मदद भी करता था। मम्मी ऐसा क्यों करती है मालूम नहीं। विश्वास ने असमंजस प्रकट किया। अरे यार एक महीने पहले मेरी दादी जी आई थी, उन्होंने मुझे परीलोक की कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि परीलोक में परी माँ होती है जो बच्चों को बहुत प्यार करती है। वहाँ ना डांट पड़ती है ना पिटाई होती है, वहाँ सब ना बच्चे ही रहते हैं, खूब खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। ऐसे ही बातें करते और टीवी देखते देखते
दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अनुभव को लगा कि दोनों दोस्त परीलोक ढूंढने चल पड़े हैं। चलते चलते रास्ते में अनुभव ने विश्वास से कहा, यार लेकिन परीलोक का पता तो दादी जी ने बताया ही नहीं, हम उसे ढूंढे कैसे? कोई बात नहीं, मेरे दादाजी कहते हैं पूछते पूछते तो आदमी विलायत पहुंच जाता है, हम भी परीलोक पहुंच ही जाएंगे। विश्वास ने अनुभव को समझाया और दोनों अबोध बालक परीलोक की यात्रा पर चुपचाप चल दिए। चलते चलते शहर बहुत पीछे छूट गया। सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के डर के मारे वे दबे पांव बढ़ते गए। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। वो बहुत घबरा गए किंतु एक दूसरे का हाथ थाम कर बढ़े चले जा रहे थे। थकान और भूख से वो चूर चूर हो गए। अचानक उन्हें घने पेड़ों के बीच एक कुटिया में उजाला दिखाई दिया। वो वहां पहुंचे तो एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने उन्हें देखते ही अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बच्चों रात के समय तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे? बाबा हम परीलोक जाना चाहते हैं, क्या आपको वहां का पता मालूम है? अनुभव ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बताएंगे, लेकिन ये तो पता चले तुम वहां जाना क्यों चाहते हो। बाबा ने बच्चों की समस्या जानने के लिए उन्हें दिलासा दिलाते हुए पूछा, बाबा हमारे मम्मी पापा हमें बात बात पर डांटते हैं, भटकाड़ते हैं, हमें खेलने भी नहीं देते, हमेशा पढ़ने को कहते हैं। विश्वास ने कहा, हमें टीवी तक नहीं देखने देते, अपने दोस्तों मिलने वालों के सामने हमारा अपमान करते हैं। विश्वास की बात पूरी करते हुए अनुभव ने कहा, वो हमारी कुछ भी सुनने की कोशिश तक नहीं करते, हमेशा अपनी चलाते। ये सब कहते कहते वो दोनों जोर जोर से रोने लगे। बाबा अब बच्चों की समस्या से लगभग पूरी तरह अवगत हो गए थे। दोनों को अपने अगल बगल बिठाते हुए उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। जब बच्चे कुछ शांत हुए तो बोले, अच्छा पहले ये प्रसाद खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। अनुभव और विश्वास बाबा के दिए हुए लड्डू आंसू पोंछते हुए खाने लगे तो बाबा बोले, अब एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें अचानक घर पे ना पाकर तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे? कुछ ठहर कर फिर कहा, बच्चों सच्ची बात तो ये है कि सब मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुम नादान हो, तुम्हें अभी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटते होंगे, मगर उनकी ये बहुत बड़ी गलती है, उन्हें बच्चों की कोमल भावनाओं को भी समझना चाहिए, उनकी मासूम रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, हम तुम्हारे मम्मी पापा को समझाएंगे, वे आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को आश्वस्त होता देखकर बाबा आगे बोले, अच्छा अब खुश हो जाओ, तुम्हारा परीलोक तुम्हारे घर पर ही आ जाएगा, तुम्हारी मम्मी परी माँ बन जाएंगी, वो तुम्हें खूब प्यार करेंगी। अब तुम अपना पता बताओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घरों पर पहुंचा दूं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खोज रहे होंगे। बाबा बाबा देखो वो हम दोनों के पापा हैं, वो इधर ही आ रहे हैं, बाबा हमें बचा लो, वो हमें बहुत मारेंगे। अचानक अविनाश और विश्वास के डैडी को अपनी ओर आता देखकर अनुभव और विश्वास दोनों लगभग चीखते हुए बाबा से लिपट गए। बाबा दोनों को अपने पास समेटते हुए बोले, तुम चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा, उन्हें आने तो दो। अरे तुम लोग बिना किसी को कुछ बताए यहां जंगल में क्यों चले आए?
दोनों लड़कों को बाबा के पास देखकर विश्वास के पापा ने कहा, तुम लोग घर चलो, तुम्हारी हड्डी पसली एक ना कर दी ना तो मेरा नाम अविनाश नहीं। अनुभव के पापा गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मैंने तुम्हें ठीक 7:30 बजे नुक्कड़ पर आने को कहा था ना, और तुम यहां चले आए। शांत हो जाइए, बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं अभी आपको सब कुछ बता देता हूं। और बाबा ने बच्चों की सारी परेशानी दोनों को सुनाई तथा बच्चों के साथ कोमल व्यवहार करने की सलाह दी। हाँ बाबा, हमसे बड़ी भूल हुई, आपने हमारी आंखें खोल दी, हम आभारी हैं, अविनाश ने कहा। वरना हम तो अति अहम और बड़प्पन में बाल संवेदनाओं को भूल ही चुके थे। आपने हमारा बचपन याद दिला दिया, हम अब कभी बच्चों को प्यार का अभाव नहीं महसूस होने देंगे, विश्वास के पापा ने अविनाश के स्वर में स्वर मिलाया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, बाबा ने दोनों बच्चों को अविनाश के हवाले करते हुए कहा। तड़ाक! अचानक जैसे बिजली चमकी, अनुभव को बादलों की घनघोर गर्जना के स्वर सा अविनाश का स्वर सुनाई दिया। क्यों बे, मैंने तुझे नुक्कड़ पर ठीक 7:30 बजे आने को कहा था और तू यहां सोफे पे पड़ा सो रहा है, उठ देख 8 बज रहे। और इतना कहते कहते अविनाश ने अनुभव को झिंझोड़ कर खड़ा करते हुए 5-7 थप्पड़ उसके गालों और पीठ पर रसीद कर दिए। अनुभव समझ नहीं पा रहा था कि जो पहले देखा वो सपना था या ये सपना है जो अब दिखाई दे रहा है। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑडिबल सेक्शन में आपकी कहानी प्रसारित की जाए तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी कहानी मेल कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी हर पोस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, साहित्य दर्शन ऑडिबल्स बाय एसके में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, सपना। पापा पापा, आज मुझे विश्वास के घर जाना है। मैं कल स्कूल नहीं गया था ना, इसलिए उससे होमवर्क पूछना है। सहमे सहमे से स्वर में अनुभव ने अपना इरादा पापा को बता ही दिया। एक तो कल स्कूल नहीं गए, दूसरे अब विश्वास के पास जाने का बहाना निकाल रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हें तो उसके साथ घूमने फिरने में ही मजा आता है, पढ़ने लिखने में तो तुम्हारा मन लगता नहीं। ध्यान रखो, इस वर्ष तुम दोनों 8th क्लास में हो और परीक्षा बोर्ड की है, अपने साथ तुम उसका भी वक्त जाया करोगे। चाय पीते हुए अविनाश लगभग झुंझला कर बोले। आज इतवार का दिन था, अविनाश को एस कपूर के यहां जाना था। वो दोनों बहुत करीबी मित्र हैं, आज वहां शतरंज की बाजी लगेगी, जो हारेगा वो पिक्चर दिखाएगा। अविनाश को अनुभव का प्रस्ताव इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे विश्वास तक पहुंचाने में 1 घंटा व्यर्थ जाएगा। अनुभव एकदम डर गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, प्लीज पापा, इस बार तो ले चलिए, मम्मी भी आपके साथ जा रही हैं, मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। मैं अपना स्कूल बैग भी लेता चलूंगा और वहीं अपना होमवर्क भी पूरा कर लूंगा। कपूर अंकल के यहाँ से लौटते हुए आप मुझे भी लेते आना। नहीं, तुम वहां आवारा गर्दी करोगे, यहीं घर में बैठकर पढ़ो, समझे? अविनाश अपनी बात पर अड़े रहे। अजी, ले चलिए ना, विश्वास ऊंचे घराने का लड़का है, उसकी सोहबत में कोई हर्ज नहीं है,
इस कॉलोनी में तो सभी नीचे तबके के लोग रहते हैं। हमारे पीछे से नीच बच्चों में खेलेगा ना तो इसकी भी मेंटालिटी बिगड़ेगी। अपने सीने व गर्दन पर परफ्यूम का स्प्रे करते हुए स्मिता ने कहा, तुम कहती हो तो ठीक है, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। अविनाश ने आदेशात्मक स्वर में अनुभव से कहा। थोड़ी ही देर में प्रसन्नचित अविनाश अनुभव और उसकी मम्मी को लेकर विश्वास के घर की ओर चल दिया। लगभग 35 मिनट बाद विश्वास की कोठी वाली गली के नुक्कड़ पर अनुभव को स्कूटर से उतारकर अविनाश ने बोला, शाम को ठीक 7:30 बजे मैं यहीं मिलूंगा, तुम समय पर आ जाना, और हाँ वहां बैठकर दोनों पढ़ाई करना, आवारागर्दी मत करना, समझे? अच्छा पापा, ओके मम्मी, टाटा, बाय बाय। अनुभव खुश होकर विश्वास के घर की ओर दौड़ गया। अरे अनुभव, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कितनी देर लगा दी। डैडी सुबह के ही निकले हैं और मम्मी भी अपनी किटी पार्टी में गई, मैं अकेला कितना बोर हो गया। अनुभव को आता देखकर विश्वास ने भागकर उसका हाथ थामते हुए शिकायत की, क्या बताऊं, पापा को मनाने में ना बहुत देर लग गई, पहले ना मुझे खूब डांट पड़ी, फिर मुश्किल से लाने को राजी हुए। ये बैग क्यों लेकर आया है तू? विश्वास ने उत्सुकता प्रकट की। अरे यार, पापा ऐसे मानने वाले थोड़ी थे, मैंने कहा मुझे तुमसे ना होमवर्क उतारना है तब जाकर माने, इसलिए बैग साथ लाना पड़ा। बैग को लॉन में एक तरफ उछालते हुए अनुभव बोला, तुमने झूठ क्यों बोला? मैडम कहती हैं कि झूठ बोलना पाप है। विश्वास ने बड़प्पन झाड़ा, क्या करता, मम्मी पापा भी तो अक्सर झूठ बोलते हैं और फिर सच कहने पर वो हमारी बात कब मानते हैं, तब झूठ से ही काम चलाना पड़ता है। अनुभव ने सफाई दी। अच्छा एक बात पूछूं, पापा जब भी मुझे तुम्हारे पास लाते हैं वो मुझे नुक्कड़ पर ही छोड़ जाते हैं, ऐसा क्यों है? अनुभव ने एक कोने में लगी फूल झाड़ी की छाया में बैठते हुए पूछा। पता नहीं यार, मेरे पापा भी मुझे तुम्हारे घर के बाहर ही छोड़कर चले जाते हैं, मैंने एक बार मम्मी से पूछा भी था तो मुझे बहुत डांट पड़ी। विश्वास लॉन में उछल कूद करते हुए खरगोश के बच्चे को पकड़कर ले आया और बोला, अच्छा तो एक बात बता, अगर तुझे समझ में आती हो तो। अनुभव खरगोश के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मेरे पड़ोस के सारे बच्चे सड़क पर, गलियों में, पार्क में क्रिकेट, आइस पाइस, गुल्ली डंडा और भी बहुत कुछ खेल खेलते हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके साथ खेलूं, लेकिन मम्मी ना कभी जाने नहीं देती। एक बार चुपके से चला भी गया तो इतनी पिटाई हुई कि मैं क्या बताऊं यार। मम्मी कहती हैं हमारे पड़ोस वाले लोग हमसे कम स्टैंडर्ड के हैं, छोटे और जाहिल हैं, उनके बच्चे के साथ खेलने में हमारी शान कम होती है। मुझे ये सब ना समझ नहीं आता, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनके साथ खेलने में हमारी शान कैसे कम हो जाएगी? क्या पता यार, इन बड़े लोगों की बातें ये बड़े ही जाने। आ अपन तो कोई खेल खेलते हैं, विश्वास बोला। लेकिन ये बड़े लोग हमसे चाहते क्या हैं? अनुभव अपने विचारों में खोया हुआ बोलता ही जा रहा था। हमें तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं और खुद हमसे कहते हैं झूठ मत बोलो, और जब पापा के कोई मित्र आते हैं तो कहते हैं कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है। कितनी बार मेहमानों के सामने हमें बुरी तरह डांट देते हैं, जैसे हमारा तो कोई मान सम्मान ही नहीं है। अक्सर इंसल्टिंग वे में ही बात करते हैं, क्या हमारा छोटा होना भी हमारा अपराध है? ये करो, ये मत करो, ऐसे रहो, वैसे मत रहो, जैसे हम बच्चे नहीं बात मानने की मशीन है,
या कोई कंप्यूटराइज्ड रोबोट है जो जैसा आदेश मिलेगा उसका ज्यों का त्यों पालन करना पड़ेगा। विश्वास बीच में ही बात काट कर बोला, अरे अनुभव, रोबोट से याद आया, चल टीवी देखते हैं, 2 बज गए, रोबोट का ना बहुत अच्छा सीरियल आने वाला है, बहुत मजा आएगा, तूने देखा है कभी? अरे नहीं यार, अनुभव ने शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया। मम्मी टीवी ऑन करते ही तपाक से बंद कर देती है, कहती है दिन भर टीवी देखोगे या कुछ पढ़ोगे भी। अब तू ही बता, आखिर 24 घंटे पढ़ाई तो नहीं कर सकते ना, कभी कभी खेलने कूदने मनोरंजन करने का भी तो मन होता है। ये बड़े लोग हमेशा अपनी इच्छाओं को हम पर लादना चाहते हैं, जैसे हमारी रुचियों का तो कोई महत्व ही नहीं है। ड्राइंग रूम में आकर टीवी का स्विच ऑन करते हुए विश्वास एक सोफे में धंस गया। अनुभव उसके पास बैठकर रिमोट से टीवी चैनल बदलने लगा। रोबोट का कार्यक्रम जी टीवी पर आने वाला था, किंतु किसी कारण से उसकी जगह एक कहानी का प्रसारण हो रहा था। एक परी दादी नानी की कहानियां सुना रही थी। दादी नानी की बात सुनकर विश्वास बोला, अरे यार, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। पिछले रविवार से मेरे दादाजी आए हुए थे, कल ही वापस गए। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। वो ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लेकिन क्या? विश्वास का उतरा हुआ मुंह देखकर अनुभव ने पूछा। मेरी मम्मी उन्हें बहुत सताती थी, घर का बाजार संबंधी हर काम उन्हीं से करवाती थी। जरा सी भूल होने पर ऐसे चिल्लाती थी जैसे वो घर के नौकर हों। मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैं मम्मी से छुपकर ना उनकी मदद भी करता था। मम्मी ऐसा क्यों करती है मालूम नहीं। विश्वास ने असमंजस प्रकट किया। अरे यार, 1 महीने पहले मेरी दादी जी आई थी, उन्होंने मुझे परीलोक की कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि परीलोक में परी माँ होती है जो बच्चों को बहुत प्यार करती है। वहाँ न डांट पड़ती है ना पिटाई होती है, वहाँ सब ना बच्चे ही रहते हैं, खूब खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। ऐसे ही बातें करते और टीवी देखते देखते दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अनुभव को लगा कि दोनों दोस्त परी लोग ढूंढने चल पड़े हैं। चलते चलते रास्ते में अनुभव ने विश्वास से कहा, यार लेकिन परी लोग का पता तो दादी जी ने बताया ही नहीं, हम उसे ढूंढे कैसे? कोई बात नहीं, मेरे दादाजी कहते हैं पूछते पूछते तो आदमी विलायत पहुंच जाता है, हम भी परी लोग पहुंच ही जाएंगे। विश्वास ने अनुभव को समझाया और दोनों अबोध बालक परीलोक की यात्रा पर चुपचाप चल दिए। चलते चलते शहर बहुत पीछे छूट गया। सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के डर के मारे वे दबे पांव बढ़ते गए। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। वो बहुत घबरा गए, किंतु एक दूसरे का हाथ थाम कर बढ़े चले जा रहे थे। थकान और भूख से वो चूर चूर हो गए। अचानक उन्हें घने पेड़ों के बीच एक कुटिया में उजाला दिखाई दिया। वो वहां पहुंचे तो एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने उन्हें देखते ही अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बच्चों, रात के समय तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे? बाबा, हम परी लोग जाना चाहते हैं, क्या आपको वहां का पता मालूम है? अनुभव ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बताएंगे, लेकिन ये तो पता चले तुम वहां जाना क्यों चाहते हो। बाबा ने बच्चों की समस्या जानने के लिए उन्हें दिलासा दिलाते हुए पूछा, बाबा हमारे मम्मी पापा हमें बात बात पर डांटते हैं, फटकारते हैं, हमें खेलने भी नहीं देते, हमेशा पढ़ने को कहते हैं। विश्वास ने कहा,
हमें टीवी तक नहीं देखने देते, अपने दोस्तों मिलने वालों के सामने हमारा अपमान करते हैं। विश्वास की बात पूरी करते हुए अनुभव ने कहा, वो हमारी कुछ भी सुनने की कोशिश तक नहीं करते, हमेशा अपनी ही चलाते। ये सब कहते कहते वो दोनों जोर जोर से रोने लगे। बाबा अब बच्चों की समस्या से लगभग पूरी तरह अवगत हो गए थे। दोनों को अपने अगल बगल बिठाते हुए उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। जब बच्चे कुछ शांत हुए तो बोले, अच्छा पहले ये प्रसाद खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। अनुभव और विश्वास बाबा के दिए हुए लड्डू आंसू पोंछते हुए खाने लगे तो बाबा बोले, अब एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें अचानक घर पे ना पाकर तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे? कुछ ठहर कर फिर कहा, बच्चों सच्ची बात तो ये है कि सब मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुम नादान हो, तुम्हें अभी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटते होंगे। मगर उनकी ये बहुत बड़ी गलती है, उन्हें बच्चों की कोमल भावनाओं को भी समझना चाहिए, उनकी मासूम रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम तुम्हारे मम्मी पापा को समझाएंगे, वे आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को आश्वस्त होता देखकर बाबा आगे बोले, अच्छा अब खुश हो जाओ, तुम्हारा परीलोक तुम्हारे घर पर ही आ जाएगा, तुम्हारी मम्मी परी माँ बन जाएंगी, वो तुम्हें खूब प्यार करेंगी। अब तुम अपना पता बताओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घरों पर पहुंचा दूं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खोज रहे होंगे। बाबा बाबा देखो, वो हम दोनों के पापा हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। बाबा हमें बचा लो, वो हमें बहुत मारेंगे। अचानक अविनाश और विश्वास के डैडी को अपनी ओर आता देखकर अनुभव और विश्वास दोनों लगभग चीखते हुए बाबा से लिपट गए। बाबा दोनों को अपने पास समेटते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, उन्हें आने तो दो। अरे तुम लोग बिना किसी को कुछ बताए यहां जंगल में क्यों चले आए? दोनों लड़कों को बाबा के पास देखकर विश्वास के पापा ने कहा, तुम लोग घर चलो, तुम्हारी हड्डी पसली एक ना कर दी ना तो मेरा नाम अविनाश नहीं। अनुभव के पापा गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मैंने तुम्हें ठीक 7:30 बजे नुक्कड़ पर आने को कहा था ना, और तुम यहां चले आए। शांत हो जाइए, बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं अभी आपको सब कुछ बता देता हूं। और बाबा ने बच्चों की सारी परेशानी दोनों को सुनाई तथा बच्चों के साथ कोमल व्यवहार करने की सलाह दी। हाँ बाबा, हमसे बड़ी भूल हुई, आपने हमारी आंखें खोल दी, हम आभारी हैं, अविनाश ने कहा। वरना हम तो अति अहम और बड़प्पन में बाल संवेदनाओं को भूल ही चुके थे। आपने हमारा बचपन याद दिला दिया, हम अब कभी बच्चों को प्यार का अभाव नहीं महसूस होने देंगे, विश्वास के पापा ने अविनाश के स्वर में स्वर मिलाया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, बाबा ने दोनों बच्चों को अविनाश के हवाले करते हुए कहा। तड़ाक, अचानक जैसे बिजली चमकी। अनुभव को बादलों की घनघोर गर्जना के स्वर सा अविनाश का स्वर सुनाई दिया। क्यों बे, मैंने तुझे नुक्कड़ पर ठीक 7:30 बजे आने को कहा था और तू यहां सोफे पे पड़ा सो रहा है, उठ देख 8 बज रहे। और इतना कहते कहते अविनाश ने अनुभव को झिंझोड़ कर खड़ा करते हुए 5-7 थप्पड़ उसके गालों और पीठ पर रसीद कर दिए। अनुभव समझ नहीं पा रहा था कि जो पहले देखा वो सपना था या ये सपना है जो अब दिखाई दे रहा है। वो बस रोए जा रहा था।
रोए जा रहा था। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑडिबल सेक्शन में आपकी कहानी प्रसारित की जाए, तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी कहानी मेल कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी हर पोस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।